गाइस, आज हम सर्किट एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सो क्या होता है, कोई भी हमारा गिवन सर्किट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब या तो रेजिस्टर होगा या इंडक्टर होगा या कुछ भी अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसे हम सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज आती है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क एंड अ सर्किट। सो क्या होता है, जो नेटवर्क होता है वो कोई भी अरेंजमेंट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स हो सकता है, मतलब एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। बट जो सर्किट होता है वो हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ही होगा और एनर्जाइज्ड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। बट यहां पर क्लोज्ड फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एनर्जाइज्ड, एंड ऑफ कोर्स ये नेटवर्क तो हो गई, तो सर्किट एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि ठीक है सर्किट एलिमेंट्स है तो है, बट कोई क्लासिफिकेशन तो होगी ना सर्किट एलिमेंट्स की। सो हम अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल या फिर लंप और डिस्ट्रीब्यूटेड। लीनियर और नॉन लीनियर, एंड फोर्थ वन इज एक्टिव और पैसिव। सो फर्स्ट वाला देखते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल क्या होता है, अगर करंट की डायरेक्शन हमने या तो ऐसे रख दी या फिर ऐसे रख दी, तो जो वी आई रिलेशनशिप होती है, मतलब वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप होती है, दोनों केसेस में अलग अलग आती है। जैसे कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो अगर उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी एक अलग हम डिफाइन करेंगे, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, तो उसमें एक वी आई रिलेशनशिप अलग आएगी, बट ऐसे होगा तो उसमें अलग आएगी। बट बायलेटरल में ऐसा नहीं होता, बायलेटरल सर्किट एलिमेंट्स में करंट की डायरेक्शन कोई भी हो वो मैटर नहीं करती। जैसे रजिस्टर है, या अगर रजिस्टर है चाहे करंट इधर से आए या करंट इधर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट कहां से आ रहा है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये बायलेटरल और यूनिलेटरल में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। लंप सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारा फिजिकली सेपरेबल होते हैं, मतलब अगर हमें कोई सर्किट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट दे रखा है हमें, तो उसमें हमें पता है ये रेजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है। ठीक है, तो ये हमें सब कुछ पता है कि हमारा क्या क्या है, बट इंडक्टर को शायद एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हमें पता है कि ये एक अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। बट अगर हमें ऐसे दे रखा है, सपोज एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो उसमें हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, अपनी कुछ कैपेसिटेंस भी होगी या अपनी कुछ इंडक्टेंस भी होगी, तो
तो उसमें क्या होगा, वो एक ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होगा, वो फिजिकली सेपरेबल नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। अनलम्प्ड में वो फिजिकली सेपरेबल होगा। तो ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर सर्किट एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनकी वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप लीनियर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया। बट जहां पर हमारी करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगी, मतलब उसकी पावर वन नहीं होगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें कभी भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं आती करंट और वोल्टेज की, तो इसलिए वो हमारे नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो अब हमारा लास्ट टाइप रह गया एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी, ठीक है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जिसमें हमारा पावर गेन हो, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स को हम कभी कभी पावर गेन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एम्पलीफायर होता है, मतलब सेमीकंडक्टर्स में सबने पढ़ा होगा एम्पलीफायर, तो उसमें पावर गेन होता है, तो हम उसे बोल देते हैं कि एक्टिव एलिमेंट है। बस ये एक वे ऑफ सेइंग होता है, बट एक्चुअली जो हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो यही है कि हमारे एक्टिव एलिमेंट्स वही होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाकी ये एक इंट्रोडक्शन था सर्किट एलिमेंट्स का, इसमें और कुछ नहीं है। बस कभी कभी ये बोल देते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस क्या है, तो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस, जैसे कि करंट डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी हो गया ऐसे, या फिर डिपेंडेंट की जगह हम कंट्रोल भी बोल देते हैं। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस ठीक है, पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। तो एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सर्किट एलिमेंट्स का। नेक्स्ट क्लास में मोर देखेंगे। टिल देन बाय बाय।